Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic on history of vocationalization of education in India. And the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful for various teaching examinations, your competitive teaching examinations, and your regular and professional BAM and BAMET courses. Okay, so let's start. First of all, vocationalization of education. जब हम levels of education पढ़ते हैं, जब हम primary, secondary, higher education की बात करते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि secondary education में vocationalization की जरूरत है. या द्वितीयक शिक्षा में ये कहा जाता है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर ये कहा जाता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए. क्यों होना चाहिए शिक्षा का व्यवसायीकरण? इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको, आप पढ़िएगा तो जानिएगा, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का रेशियो है, जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर हायर एजुकेशन है, वो सिर्फ 25-27% है. NEP 2020 ने ये सोचा है, ये इमेजिन किया, इमेजिन किया है कि हम इसको 50% के लक्ष्य तक ले जाएं. लेकिन आपको भी पता है कि इसमें समय लगेगा. तो मतलब जो रियलिटी है, अब तो फिर भी थोड़ा बढ़ गया होगा, पहले और कम रहा होगा, वो है कि लगभग 1/4 बच्चा जो है, 1/4 विद्यार्थी जो है, वो हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, और 3/4 स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन वहीं छोड़ देते हैं. तो जब हमको पता है, जब हम ये रियलिटी हमको जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो अपनी पढ़ाई परस्यू नहीं करेंगे, तो सेकेंडरी एजुकेशन को इस तरीके का होना चाहिए कि वो सेकेंडरी एजुकेशन जब खत्म कर रहे हैं तो वो सेल्फ रिलायंट बन सकें, वो कोई वोकेशन अपना सकें, वो किसी ऑक्यूपेशन का हिस्सा बन सकें, वो एंटरप्रेन्योर हो सकें, वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें. इतनी क्षमता सेकेंडरी एजुकेशन के पास होनी चाहिए, इतना उसको ऑप्शन देना चाहिए बच्चे को, स्टूडेंट को. तो वोकेशनलाइजेशन की बात आज से नहीं चल रही है हिंदुस्तान में. इवन बिफोर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो कमीशंस और कमिटीज बने, उन्होंने भी बल दिया कि शिक्षा का व्यावसायीकरण होना चाहिए. देखिए, मैंने वुड्स डिस्पैच से शुरू किया इसको, 1854, लगभग 150 साल पहले का ये, और इवन ज्यादा है ना, 2023 चल रहा है, 175 के आसपास का समय हो गया साल पहले. आप कल्पना कर सकते हैं, 200 साल पहले भी ये बात की जा रही थी कि शिक्षा का व्यावसायीकरण होना चाहिए, और आज भी हम शिक्षा को व्यावसायिक नहीं बना पाए हैं सेकेंडरी एजुकेशन के ना. तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है शिक्षा के लिए. तो शुरू करते हैं वुड्स डिस्पैच से. वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया, फॉर द फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड द नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल एजुकेशन फॉर ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यानी कि वुड्स डिस्पैच ने 1854 में पहली बार इस बात पर बल दिया कि अच्छी संख्या में विद्यार्थियों के लिए हमको ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सॉरी. Persistent efforts were made to influence the reform by introducing non-literary vocational education at the secondary stage. बहुत सारे effort किए गए कि हम कोई reform लाएं, सुधार करें, हम literary से थोड़ा हटके चलें, कुछ non-literary पढ़ाएं, कुछ vocational पढ़ाएं secondary education के level पे. It is quite obvious that the voices before 1882 remained unnoticed until the Hunter Commission was set up in 1882 to examine the problems of education in general and technical and vocational education in particular. मतलब 1854 में ये बात कह दी गई, लेकिन 1882 तक, जब तक हंटर कमीशन की को गठित नहीं किया गया, ये जानने के लिए कि आप जनरल शिक्षा की समस्याएं देखिए और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की समस्याओं को स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से देखिए, 1882 में तब तक ये अननोटिस्ड रहा, इस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ. फिर जब हंटर कमीशन गठित हुआ 1882 में, तो द हंटर कमीशन रिकमेंडेड दैट एट द हाई स्कूल स्टेज देयर ऑट टू बी द डिस्टिंक्टिव स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन. यानी कि हंटर कमीशन ने कहा हाई स्कूल का जो लेवल है, वहां जरूर जो शिक्षा है वो डिस्टिंक्ट हो जानी चाहिए. दो डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, यानी कि जो दो धाराएं चलनी चाहिए, जो दोनों एक दूसरे से अलग हों, विशिष्ट हों. एक क्या करे, वन फॉर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन. जो एक धारा हो वो तो स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करे, मतलब वो लोग जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं वो उस दर चले जाएं. एंड द अदर
फॉर प्रैक्टिकल ऑक्यूपेशन, जो मतलब कुछ प्रैक्टिकल, कुछ प्रायोगिक व्यवसाय में, कुछ काम धंधे में लग सके, ऐसी दूसरी धारा होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर रहे, तभी तो बेरोजगारी खत्म होगी। इन अदर वर्ड्स इट एम्फसाइजेस द बाइफर्केशन ऑफ कोर्सेज एट द अपर क्लासेस ऑफ द हाई स्कूल। तो ये कह रहे हैं कि हाई स्कूल की अपर क्लासेस में हम कोर्सेज को इस तरह से बाइफर्केट कर दें कि जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है वो ये कोर्स ले लें, बाकी लोग प्रैक्टिकल ऑक्यूपेशन वाला कोर्स ले रहे हैं ना। वन लीडिंग टू द इंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कि एक में पढ़ के आप यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, एंड द अदर फॉर प्रैक्टिकल लाइफ प्रिपेयरिंग यूथ फॉर कमर्शियल और नॉन लिटरेरी परस्यूज। और जो दूसरा कोर्स लेंगे वो जन जीवन जी सकें, आपको हम कमर्शियल काम के लिए तैयार कर सकें, गैर साहित्यिक परस्यूज के लिए तैयार कर सकें, है ना। इस तरीके की बात हंटर कमीशन 1882 में कह रहा है। फिर क्या हुआ, हर्ट ऑफ कमेटी आती है। हर्ट ऑफ कमेटी कब आती है, 1929 में। ये क्या सजेस्ट कर रही है, ये भी सजेस्ट कर रही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुला एंड डाइवर्जन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कैरियर्स। वो कह रहे हैं कि आप करिकुला को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, डाइवर्स कर दीजिए, विभेद कर दीजिए, वितरित कर दीजिए, उसको फैला दीजिए। किस तरीके से, कि आप स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कैरियर्स के लिए भी तैयार कर सकें। द आउटकम ऑफ दिस रिकमेंडेशन वॉज दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स स्टार्टेड टेक्निकल कमर्शियल और एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स एंड ऑल्सो बिगेन टू गिव लार्ज ग्रांट्स टू एसिस्ट स्कूल्स विच प्रोवाइडेड फॉर लिटररी कोर्सेज। तो इन्होंने कहा कि इस रिकमेंडेशन का आउटकम क्या निकला, कि गवर्नमेंट थी उसने स्टार्ट किया टेक्निकल कमर्शियल और एग्रीकल्चरल हाई स्कूल स्टार्ट किए गए, और जो स्कूल्स इस तरीके के कोर्सेज चला रहे थे उनको बहुत सारी ग्रांट दी गई, उनको सहायता मिली, अनुदान राशि मिली। This development helped in the introduction of some effective methods for providing alternative vocational or pre-vocational courses at the secondary stage. तो ये जो व्यवस्था हुई इसने help किया, इसने इस सुविधा प्रदान की किसमें, कि कुछ हम effectively कुछ कर पाएं alternative, कुछ व्यावसायिक, कुछ प्री पूर्व व्यावसायिक courses को secondary stage पर launch करने में इसने help किया, ठीक है। फिर सार्जेंट प्लान आता है आपका 1944 में। ये क्या कह रहा है कि द सार्जेंट प्लान रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई स्कूल्स इनटू टू टाइप्स ऑफ स्कूल। सार्जेंट प्लान जो 1944 में आ रहा है उसने कहा कि आप हाई स्कूल का रीऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, मतलब पुनः उनका संगठन कर दीजिए और उनको दो तरीके के स्कूलों में बांट दीजिए। पहला क्या, एकेडमिक हाई स्कूल्स, और दूसरा क्या, टेक्निकल हाई स्कूल्स। तो उन्होंने कहा एकेडमिक हाई स्कूल्स क्या होंगे, जो कि आर्ट्स और साइंसेज में आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, शैक्षणिक काम देखेंगे वो। और टेक्निकल हाई स्कूल्स क्या होंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे किसमें, अप्लाइड साइंसेज में एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट्स। मतलब सभी आपका वो स्पेस से लेके सार्जेंट प्लान तक ये बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड करिए कोर्सेज को, है ना, वोकेशनलाइजेशन की शिक्षा दीजिए बच्चे को, ताकि वो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाना चाहता है वो उस तरीके की प्योर एकेडमिक पढ़ाई करें, जो नहीं जाना चाहता है आप उसको कोई तो कोई व्यवसाय सिखाइए। ये बात कब से चल रही है हिंदुस्तान में, ठीक है। फिर आपका आपको स्वतंत्रता मिल जाती है, और उसके बाद मुदालियर कमीशन बनता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बना था। वो भी कहता है इट रिकमेंडेड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, उसने भी वही बात दोहराई कि करिकुलम को, पाठ्यक्रम को डाइवर्सिफाइड करिए, और इसके लिए इन्होंने क्या सुझाव दिया, द मल्टीपर्पज स्कूल। मल्टीपर्पज स्कूल का कंसेप्ट आया मुदालियर कमीशन में, वो कह रहे हैं कि मल्टीपर्पज स्कूल बनाइए जो क्या हो, वर मेंट टू प्रोवाइड टर्मिनल कोर्सेज इन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चरल, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। कह रहे हैं कि विभिन्न तरीके की शिक्षा दीजिए ना, क्योंकि बच्चे भी तो विभिन्न तरीके के हैं, उनका इंटरेस्ट दूसरी तरीके का है, उनका एप्टीट्यूड दूसरे तरीके का है, उनका एटीट्यूड दूसरे तरीके का है, और सबको आप एक ही तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि हर बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जाएगा, तो आपने उसको बीच में छोड़ दिया अधूरा तैयार करके, तो आप उसको पूरी तरह तैयार कीजिए, आप उसको इस लायक बनाइए कि वो कोई ना कोई व्यवसाय अपना सके। And help to divert students to different walks of life and reduce pressure upon university entrance. और university entrance में भी pressure घट जाएगा, क्योंकि हर बच्चा नहीं वो इसलिए भी university में admission नहीं लेता, because उसके पास कोई दूसरा option नहीं है, कोई दूसरा course नहीं है, कोई दूसरा curriculum नहीं है, तो उसको लगता है कि secondary education के बाद वो सिर्फ और सिर्फ university में admission ले सकता है। तो आप यूनिवर्सिटी से भी प्रेशर घटा देंगे अगर आप मल्टीपर्पज स्कूल्स बनाएंगे तो। ऐसी बात हमको मुदालिया कमीशन ने बनाई जो कि 1952-53 का है। फिर आता है आपका कोठारी कमीशन जो कि 1964 में आया, और 1966 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। वो कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज इट्स एक्सप्लिसिट ऑब्जर्वेशन ऑन एजुकेशन बीइंग द मेजर एंड वाइटल टूल फॉर डेवलपमेंट एंड ऑन द लिंकिंग ऑफ एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी। तो जो इसकी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो ऑब्जर्वेशन था, वो कह रहा है कि एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से जोड़ दीजिए, शिक्षा को रचनात्मकता से जोड़ दीजिए, मतलब शिक्षा जो हो वो रचनात्मक होनी चाहिए,
वो अनप्रोडक्टिव ना हो, सिर्फ बुकिश ना हो, सिर्फ थियोरेटिकल ना हो. द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन रेलेवेंट टू वोकेशनल एजुकेशन वर, अगर हम वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा से इसका संबंध देखें तो इसमें तीन हमको मुख्य रिकमेंडेशन दिए. क्या? 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन कोठारी कमीशन से ही आया था, जो कि एनईपी 2020 ने चेंज कर दिया है, 5+3+2+4 कर दिया है. ठीक है, जो चेंज हो गया है, जो भी हो गया, मतलब 10+2+3 नहीं रहा, नहीं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ शायद. और वर्क एक्सपीरियंस इन 10 ईयर्स ऑफ जनरल एजुकेशन, वो कह रहे हैं कि जो जनरल एजुकेशन आती है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करी, मतलब कोई ना कोई काम की शिक्षा, काम का मतलब यहाँ स्किल्स है, तो वर्क एक्सपीरियंस का कंसेप्ट सबसे पहली बार कोठारी कमीशन में आ रहा है. एंड वोकेशनलाइजेशन एट +2 stage विद अ पॉसिबल कवरेज ऑफ 50% ऑफ द एनरोलमेंट देयरिन. देखिए वो कह रहे हैं कि +2 stage पे आप जरूर वोकेशनलाइजेशन बच्चे को सिखाइए और कोशिश कीजिए कि 50% एनरोलमेंट वहाँ हो, यानी कि 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे तो कम से कम वोकेशनलाइजेशन की शिक्षा ले ही. फिर आपका आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, जिसका फॉलो अप आया था 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने टाइम फ्रेम बस बनाया नया. वो कह रहे हैं कि आप 1995 तक 10% को और 2000 तक 25% बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दीजिए. राम मूर्ति कमेटी जो 1990 में बैठी, वो क्या कह रही है, प्रपोज दैट वर्क शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड शुड बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. वही वर्क एक्सपीरियंस की बात करिए कि काम दिखना चाहिए, कौशल दिखना चाहिए, बच्चे को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मत दीजिए, कुछ सिखाइए. और वोकेशनल एजुकेशन से क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट्स द फीलिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति महत्ता का महत्व आएगा बच्चे में, ये फील आएगा, ये महसूस करेगा कि श्रम करना बुरा नहीं है. वोकेशनल एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स विल इंक्रीज सोशल मोबिलिटी. देखिए हम लोग मोबिलिटी पढ़ते हैं ना, सोशल मोबिलिटी हम शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं. अगर हमने वोकेशनल एजुकेशन करके, व्यावसायिक शिक्षा करके कुछ अच्छा हमारा व्यवसाय चल गया तो हम सोशली अपवर्ड चले जाएंगे, है ना, तो सोशल मोबिलिटी में भी ये सहायक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवर ओन वेरी रीसेंट एनईपी 2020 क्या कह रही है वोकेशनलाइजेशन पे, कि द एनईपी 2020 हैज आल्सो गिवन स्पेशल एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेशन एंड मेनस्ट्रीमिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन. ये कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन से जोड़ दीजिए, विच विल हेल्प स्टूडेंट्स इन एक्वायरिंग वेरियस स्किल्स टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. फिर इन्होंने बना दिया एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो DOSEL है, वो करेगा क्या, इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन. यही जो है वो वोकेशनलाइजेशन की स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा. किसके तहत? अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा. देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान था वो फैलते फैलते, मतलब पहले प्राथमिक स्तर पर था, फिर सेकेंडरी स्तर पर गया, फिर वो और हायर स्टेज पर गया, तो उसको समग्र शिक्षा कर दिया ना, क्योंकि उसने सारे स्टेजेस कवर कर लिए. तो समग्र शिक्षा की स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो होगा वो वोकेशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट करेगा. तो इसका लक्ष्य क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन को हम जोड़ दें सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्केल्स पर, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसको एक्सपोजर मिलेगा वर्क एनवायरमेंट के लिए, हम बच्चे में जागरूकता, विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं. ओके, एंड अंडर द स्कीम NSQF नेशनल स्केल क्वालिटी फ्रेमवर्क कंप्लाइंट वोकेशनल कोर्सेज आर ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन स्कूल्स कवर्ड अंडर द स्कीम. तो इस तरीके से कहा गया है कि NEP जो समग्र शिक्षा की स्कीम है उसको रिवैम्प करे, उसको NSQF से जोड़ ले, उसको वोकेशनल और जनरल एजुकेशन को जोड़ ले, और न्यू इंटरवेंशंस जैसे कि ये मिल जाए आपको वोकेशनल एजुकेशन के लिए. अंडर द स्कीम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल हैज बीन मेड अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि अगर आप किसी वोकेशनल कोर्स का हिस्सा हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर सिखाई जाए जिससे आप एम्प्लॉयबल हो सके, रोजगार आपको मिल सके. तो ये रहा क्रम, ये रहा इतिहास 1854 से लेके 2020 तक का, कितना लंबा समय अंतराल है. और आप देखिए 1854 से वही बातें की जा रही है, वही बातें की जा रही है, और वही बातें की जा रही है कि आप वोकेशनल एजुकेशन दीजिए, सेकेंडरी एजुकेशन की नीड है, सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है कि आप उसको व्यावसायिक शिक्षा दीजिए उस बच्चे को जो आगे हायर एजुकेशन में परस्यू नहीं करता है, ताकि वो कोई व्यवसाय में लिप्त हो सके, वो कुछ काम धंधे में लग सके, वो रोजगार कर सके, वो देश पर बोझ ना बने बेरोजगार के रूप में. ठीक है, तो वी विल होप, हम ये आशा करेंगे, आशा कर सकते हैं कि ये बहुत जल्दी यथार्थ में हमको मिल जाएगा और देश की शिक्षा व्यवस्था में जो द्वितीय शिक्षा व्यवस्था है, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर है, वहाँ पे हमको व्यवसायीकरण ऑन पेपर नहीं बल्कि यथार्थ में रूट लेवल पर दिखाई देने लगेगा. ठीक है, तो ये रहा इतिहास व्यवसायीकरण ऑफ
वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के व्यवसायीकरण का पिछले लगभग 225 साल का इतिहास। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये बहुत ज्ञानवर्धक भी और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि इतने सालों से ये बात की जा रही है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड इट इज डन फ्रॉम माई साइड। ओके।